नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, वैसे तो कुछ लोगों को पता होगा कि अंडरस्टैंडिंग फेरोस्टेटिक हाइट किसे कहते हैं, बट जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मेरी यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंडरस्टैंडिंग फेरोस्टेटिक हाइट क्या होती है और किसे कहते हैं एंड ये कहाँ से कहाँ तक मान होती है। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग फेरोस्टेटिक हाइट के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि जब भी हम 20 का थ्रूपुट निकालते हैं तो उस टाइम फेरोस्टेटिक हाइट की वैल्यू की ज़रूरत होती है, जिसके बिना 20 थ्रूपुट निकालना पॉसिबल नहीं है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने टिमरमैन, वॉल्ड ऑपरेटर, शिफ्ट इंचार्ज को ये तो कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि 20 का लेवल कितना है, 2 पे है या 3 पे है। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि 20 लेवल 1 है या 2 है या 3 है या फुल चल रहा है, क्योंकि 20 लेवल के ऊपर हमारी कास्टिंग स्पीड डिपेंड करती है। जितना ऊपर लेवल होगा कास्टिंग स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे लेवल कम होता है तो कास्टिंग स्पीड भी कम हो जाती है, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो कास्टिंग स्पीड भी बढ़ने लगती है। मतलब ये कि लेवल का कम या ज़्यादा होना हमारी अंडरस्टैंडिंग फेरोस्टेटिक हाइट का कम या ज़्यादा होना होता है, एंड इसे ही अंडरस्टैंडिंग फेरोस्टेटिक हाइट कहा जाता है। जैसे कि ये हमारी 20 है और ये हमारा मोल्ड जैकेट है, इसके अंदर हमारा मोल्ड ट्यूब भी लगा होता है जो कि कॉपर और निकल से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारी 20 में यहाँ तक लिक्विड मेटल भरा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ हमारा लिक्विड मेटल मोल्ड ट्यूब के अंदर गिरता है, जिसे हम मिनीकस लेवल कहते हैं, वहाँ तक की जो दूरी होती है उसे ही हम अंडरस्टैंडिंग फेरोस्टेटिक हाइट कहते हैं, एंड इसी अंडरस्टैंडिंग फेरोस्टेटिक हाइट के अकॉर्डिंग 20 थ्रूपुट निकाला जाता है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।